रियलमी एक्स टी एक परफेक्ट स्मार्टफोन है यार आपके लिए अगर आप लेना चाहते हो। लेकिन यार इसमें आपको एक दिक्कत देखने को मिलती है, उस दिक्कत का नाम है कलर ओएस। तो यार कलर ओएस के अंदर भर के ब्लोटवेयर देखने को मिलते हैं। जितना लोग MIUI को एड्स के लिए गाली देते हैं ना, मुझे लगता है उससे ज़्यादा गाली यहाँ पे कलर ओएस को देनी चाहिए, क्योंकि इतनी घटिया ओएस यहाँ पे देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए अभी तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यार अभी फ़ोन लॉन्च हुआ है और कस्टम रोम भी अभी इतनी आना शुरू नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर आपके लिए बता सकता हूँ कि कलर ओएस के अंदर से या रियलमी के किसी भी डिवाइस से या रियलमी XT से आप किस तरीके से जो उनके प्री इंस्टॉल ब्लोटवेयर ऐप्स हैं ना उसको हटा सकते हो। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं काफ़ी सारे ब्लोटवेयर ऐप्स इसके अंदर प्री इंस्टॉल वाले, जो कि बहुत ही ज़्यादा घटिया हैं। ये देखो हॉट ऐप्स, हॉट गेम, क्या यार, मतलब इसको तुम हटा भी नहीं सकते। और ये यहाँ पे आपको ऐप मार्केट से देखने को मिलता है, तो देख सकते हो ये है ऐप मार्केट जो कि ओप्पो वालों का है, जो कि कलर ओएस में आपको देखने को मिलता है। लिटरली मैंने यहाँ परचेज़ किया है क्योंकि यार बेस्ट बजट फ़ोन आपको ये देखने को मिलता है जिसके अंदर हर चीज़ देखने को मिल जाएगी। लेकिन आप इस कलर ओएस के यार इस ब्लोटवेयर से छुटकारा पा सकते हो बिना रूट के, बिना किसी चीज़ के। तो चलिए आपको आज यही दिखाता हूँ, और कलर ओएस की यहाँ पे हम रियलमी की भी जर्नी आज हमारे चैनल पे शुरू करते हैं, जिसमें आपको मैं रियलमी की वही आगे आने वाली का वीडियो वो भी देने वाला हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए। तो चलिए आपको कंप्यूटर पर लेके चलता हूँ, जिसमें आपको आज बताता हूँ किस तरीके से आप अपने रियलमी XT या रियलमी या कलर ओएस के किसी भी डिवाइस से फालतू जो ब्लोटवेयर ऐप्स हैं ना उनको हटा सकते हो। सबसे पहले तो मैं ये ऐप मार्केट हटाऊंगा भाई, क्योंकि बहुत ही बुरी है। दूसरा मैं ब्राउज़र ज़रूर हटाना चाहूँगा, क्योंकि ब्राउज़र हर चीज़ में अपने आप ही खुल जाता है जबकि मैंने डिफ़ॉल्ट क्रोम को सेट कर रखा है। तो ये सब चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो चलिए लेट्स बिगिन। सो अनइंस्टॉल करने के लिए यार कुछ चीज़ें यहाँ पे हमको ध्यान रखना ज़रूरी है, आपके फ़ोन के अंदर होनी चाहिए और आपके पास PC भी एक चीज़ होनी चाहिए। और सबसे पहले बता दूँ यार, अनइंस्टॉल कर रहे हो तो ध्यान रखना, और ज़रूरी नहीं है वापस से आपको वो चीज़ अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल वगैरह से, लेकिन देख के ही कोई चीज़ डिलीट करना। ऐसा कोई मेन सिस्टम एप्लीकेशन डिलीट मत कर देना जिससे बाद में आपके फ़ोन को प्रॉब्लम क्रिएट हो। कुछ ही कुछ यहाँ पे बाहर वाले जैसे होते हैं ना, बेकार बेकार ऐप मार्केट, इसको डिलीट मार दो। और उसके बाद आपको ये दिखाऊं, ब्राउज़र डिलीट मार सकते हो, कैलकुलेटर वगैरह डिलीट कर दो, कैलेंडर वगैरह आपको करना है कर दो, क्लोन फ़ोन वगैरह दिया हुआ है, ऐसा फालतू एप्लीकेशन है ना इसको आप यहाँ पे इजीली डिलीट कर सकते हो। कर तो सभी को सकते हो, लेकिन रिकमेंड मैं यही करूँगा कि इन लोगों को ही डिलीट करो। तो चलिए अब यहाँ पर आपको चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। तो यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर चलते हैं। तो इसके अंदर आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, मैं आपको फिर से रिक्वायरमेंट बता दे रहा हूँ। एक, आपके पास PC होना चाहिए। PC में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए वो मैं आपको आगे बता दूंगा। सबसे पहले आपके पास फ़ोन होगा Realme का, कलर OS वाला कोई भी, या ओप्पो के फ़ोन में भी आई थिंक ये वर्क करेगा। उसके बाद सबसे पहले हमको जाना है अबाउट फ़ोन के अंदर। अबाउट फ़ोन में आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको देखने को मिलेगा इतने तरीके का। आपको यहाँ पे वर्जन पे टैप करना है 5-6 बार। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऑलरेडी ऑप्शन ऑन कर रखा है, तो आपको वर्जन पे 5-6 बार टैप करना है एंड आपका यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा, जिसके लिए आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। आपको ये नीचे डेवलपर ऑप्शन देखने को मिलता है, डेवलपर ऑप्शन के अंदर आपको टैप करना है एंड इसके अंदर आपको यहाँ पे नीचे जाना है, और आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा USB डीबगिंग का। इसको हम ऑन कर देंगे, तो इस तरीके से ऑप्शन होगा, इसको हम ऑन कर देंगे। यहाँ पे फ़ोन का काम हमारे इतना हो गया है। अब चलते हैं PC की तरफ। तो PC में हमको क्या करना है, तो PC में आपको यहाँ पे मैं एक फ़ाइल का लिंक नीचे दे दूंगा, जो कि है ABD टूल्स का, यानी प्लेटफॉर्म सेटअप का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको अपने उसको PC के अंदर इंस्टॉल कर लेना है, काफ़ी ईजी चीज़ है। मैंने यहाँ पे सेटअप दे रखा है, आपको सिंपली सेटअप को रन करना है एक बार। आप जैसे ही इसको रन करोगे, इसके अंदर आपसे ऑप्शन पूछेगा कई सारे, आपको सिंपली सब में YY कर देना है। देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू वॉन्ट टू इंस्टॉल ABD एंड फास्टबूट, तो आपको यहाँ पे सिंपली Y टाइप करना है और इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो इसमें मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। बाई चांस अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, मैं आपको पूरी यहाँ पे सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा अगर आपको कोई भी दिक्कत आ जाती है तो। वैसे कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब यहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा प्लेटफॉर्म टूल्स का, आपको इसके अंदर जाना है एंड यहाँ पे शिफ्ट की को और प्लेटफॉर्म टूल्स के फोल्डर के अंदर जाके शिफ्ट की एंड आपको साथ ही साथ यहाँ पे राइट क्लिक एक साथ करना है, तो जो आपको ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे शिफ्ट की एंड प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाता है ऑप्शन ओपन पावर शेल विंडो हेयर। आप
सो यहाँ पे देख सकते हो प्लेटफॉर्म टूल्स ओपन हो गया है। यहाँ पे अब हमको फ़ोन को अपने पीसी से कनेक्ट करके रख लेना है। आपको ध्यान रखना है यूएसबी डीबगिंग आपकी ऑन हो। अब यहाँ पे हम पीसी में कमांड देंगे abd devices, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डिवाइसेस। यहाँ पे हम लिखेंगे abd devices, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे डिवाइस दिखा रहा है। और अभी आप यहाँ पे डालोगे तो आपके फ़ोन में एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको पूछेगा कि आपको इसको ऑथराइज़ करना है कि नहीं। आप ओके पे टैप कर दीजिएगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए मेरे में शो नहीं कर रहा है, मेरे में यहाँ पे डिवाइसेस आ रहा है। अगर आप इसको टैप नहीं करोगे तो यहाँ पे अनऑथराइज्ड आपका लिखा हुआ आएगा। इतनी चीज़ आपकी हो गई, तो अब आपका यहाँ पे फ़ोन सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। फ़ोन को अब हम साइड में रखते हैं एंड अब हम यहाँ पे कमांड देंगे एक और जिसका नाम है abd shell। हमने यहाँ पे ये कमांड दे दी है, आप देख सकते हो हमारा फ़ोन का कोड नंबर आ गया है RMX1921। अब हमको यहाँ पे कमांड देनी है कि आपको यहाँ पे रिमूव करना है ऐप को। मैंने इस कमांड को ऑलरेडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसको कॉपी कर सकते हो। ये कमांड है pmuninstall -k --user0package-name। आपको इस कमांड को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ पूरी तरीके से। आप सिंपली राइट क्लिक करो, माउस से आपके यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। पैकेज नेम की जगह अब आपको यहाँ पे पैकेज नेम देना है, कौन सा ऐप आपको रिमूव करना है उसका। अब उसके लिए आपको सिंपली अपने फ़ोन पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाना है और एक आपका ऐप है उसको डाउनलोड कर लेनी है। उसका नाम है पैकेज नेम्स, तो उसका ऐप का भी नाम यही है पैकेज नेम। आपको इस पैकेज नेम ऐप को डाउनलोड करके अपने फ़ोन के अंदर सेव कर लेना है। फ़ोन के अंदर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ये सारे ऐप्स आपको हैं जो भी आप रिमूव करना चाहते हो आप रिमूव कर सकते हो। एंड अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा है, तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। और यहाँ पे मुझे ये रिमूव करना है ओप्पो ऐप मार्केट। तो अब यहाँ पे आपको पैकेज नेम नीचे देख सकते हो लिखा हुआ है com.oppo.market। अब ये सेम चीज़ हमको यहाँ पे ये टाइप करनी है, तो इसको हम टाइप कर लेते हैं com.oppo.market। ये चीज़ आपने टाइप कर ली, अब सिंपली आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। ये डाल दिया है, सक्सेसफुल हो गया है। एंड अब हम यहाँ पे वापस आएंगे अपने फ़ोन में, और फ़ोन में यहाँ पे हम देखेंगे तो आपका ऐप मार्केट गायब हो गया है। आपको यहाँ पे गायब हो जाएगा, अब आपको यहाँ पे कोई भी फालतू वाले ऐप्स नहीं देखने को मिलेंगे। देख सकते हो जो भी सब चीज़ थी सारी यहाँ पे गायब हो गई है। अब इसी तरीके से अगर हमको अब ब्राउज़र डिलीट करना है तो उसके लिए भी हम यहाँ पे चलते हैं पैकेज नेम में, चेक करते हैं ब्राउज़र का क्या है। तो ब्राउज़र का देख सकते हो com.nearme.browser है। तो यहाँ पर हम फिर से ये कमांड डाल देंगे pm, तो ये देख सकते हो आपका यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। अब हम वापस चलते हैं यहाँ पे, तो अब आपको यहाँ पे इसका ब्राउज़र भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप सिंपली यहाँ पे रिमूव कर सकते हो अपने फ़ोन के अंदर से फालतू अनबंड वाले ऐप्स Realme के अंदर से काफ़ी ईजिली, और आपको यहाँ पे कोई रूट वगैरह भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपको यहाँ पे सर्च भी करके दिखा देता हूँ, ऐप देख सकते हो नहीं है, ब्राउज़र देख सकते हो नहीं है। तो इस तरीके से आप जो भी ऐप्स चाहो यहाँ पे रिमूव कर सकते हो बिना किसी रूट के या किसी दिक्कत के। अगर आप बाई चांस आप चाहते हो उसको वापस लेना, तो आप गूगल पे सर्च करके इनका APK डाउनलोड कर सकते हो, आपको ऑलरेडी अवेलेबल मिल जाएगा। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर हिट करिएगा। नहीं पसंद आई तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे पूछ सकते हो। तो फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो।